होके कैसा लग रहा जी, है क्या? जी हिंदुत्व का बात पार्ट होकर कैसा लग रहा है क्या कुछ आप बता रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरी पहली मूवी है और इस इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम है। उससे पहले मैं मिस्टर इंडिया कर चुका हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, तो हिंदुत्व जैसी मूवी पहली मूवी होनी जो कि मैं अपनी पूरी फैमिली को दिखा सकता हूँ, वो एक बहुत अच्छा और मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि मैं अपनी एंटायर फैमिली फैमिली के दूर तक के रिश्तेदारों को एक साथ ला सकता हूँ बिना कुछ ऑकवर्ड फील करे। सो स्टोरी को पूरी मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं क्या कुछ जी? आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या कुछ दमदार होने वाला है? जी तो बेसिकली मैं समीर का बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसके छोटे भाई की तरह, और जो समीर सिद्दीकी है वो ज़्यादातर अपनी चीज़ें दिमाग में चलाता है। मेरा कैरेक्टर जो है जो उस चीज़ को आगे बाहर लाता है उसके दिमाग को। सो बेसिकली हमारा मेरा और मेरे दोस्त का रॉन का हम दोनों का यही कैरेक्टर है इसमें, और मैं बेसिकली सारा पॉलिटिक्स सारा प्लान करता हूँ, और जो मेन ट्विस्ट है मूवी का वो भी मेरे द्वारा ये बाहर आता है। तो जिंदगी जब भी मौका देती है आप जी, क्या कुछ श्री राम के बारे में आप बोलना चाहेंगे? जी सर, अभी मैं कल परसों ही 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग महाकाल जी और ओमकारेश्वर गया था। तो हम बहुत लकी हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे इतनी बड़ी हिंदुत्व जैसा चीज़ शायद पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है, तो हम ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हैं। सो ये मूवी, थैंक यू सर, थैंक यू जी 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 पॉलिटिक्स बेसिकली क्या होता है, पकड़ के उस चीज़ को आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व एक जीने का तरीका है। आज से कई हज़ार साल पहले जब शायद साइंस भी नहीं में, और हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी चीज़ कर दी थी जो आज शायद साइंस को अब पता चली है, जैसे शंख बजाना हमारे लंग्स को, सबसे ज़्यादा लोग मशीन्स बना रहे थे हमारे लंग्स को बेहतर फंक्शन करने के लिए, और वो चीज़ शंख बहुत सालों से करता है, योगा ये चीज़। और बात जो कभी सैटेलाइट नहीं थी जब से है, तो हिंदुत्व असली चीज़ ये है ना, कि हम हिंदुत्व को धर्म से जोड़ के और इस चीज़ में हम थैंक यू दास जनों के संकट क्षण में दूर करे हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ये गाना तो मुझे लग रहा है कि सर पे चढ़कर बोलेगा जी, ये बहुत खुशी है। मैंने श्वेता राज और रविशंकर के साथ मैंने इमेजिन किया कि वो कैसा दिन होगा जिस दिन ये गाना पूरी दुनिया के सामने आएगा। और आज हमने दलेर जी को सब मिस करेंगे जाहिर है, लेकिन इस वक्त जो है उनके दिल उनकी आवाज़ भरेगी, कमाल है उन्होंने। जी बहुत अच्छा लगा मुझे यंगस्टर्स के साथ काम करके, साथ में जो वेटरन है, तो एक बड़ा अच्छा मिश्रण भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला सर से, क्योंकि फर्स्ट मूवी थी एंड
पहले डायरेक्टर ऐसे मिलना जो हमारी बात सुने, सबसे अच्छी बात ये थी कि सजेशन, वो हमेशा ओपन टू सजेशंस, सो इजी टू वर्क, एंड जितना मैंने शायद किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं सीखा होगा, मैंने कुछ दिन काम करके सर के साथ सीख लिया। और आपके जो स्टार थे साथ में जो काम करने वाले, वो बहुत हेल्पफुल थे, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ काम सर ने दी थी, एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। थैंक यू।